बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि कैसे इंजन ऑयल चेंज होता है। तो पहले दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो मैकेनिक है वो नीचे से जो एक नट होता है, जो या एक आप बोल सकते हैं जो सिस्टम होता है, वो उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। और खोलने के बाद नीचे से जो इंजन का ऑयल है वो अभी निकल रहा है। तो पूरा जब आपका इंजन निकलेगा वो पूरा काला होकर निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन चला हुआ है, उसके बाद बर्न भी हुआ है, इसके लिए पूरा काला होकर इंजन निकलता है। तो ऐसे होता है कि और जब आप खुद से निकलने की कोशिश करें दोस्तों, आप प्लीज़ इसको मत पहले छूइएगा, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, इसलिए आप अलग से रखिएगा। जब हम लोग इंजन ऑयल देने की बात करते हैं तो आप फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालिए तो आपके गाड़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। और कॉस्ट आएगा आपका लगभग 600-650 रुपये, और सेमी सिंथेटिक अगर आप डालते हैं तो उसका कॉस्ट आएगा आपका 350-400 रुपये। तो मैंने सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला है, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी डाल रहे हैं और इसका कलर अभी ब्राउन कलर का है, और पूरा ऐसे ही पूरा जो इंजन ऑयल है पूरा यहाँ से डालना होता है। और आप भी खुद से ये डाल सकते हैं और पूरा ऐसे यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद जो इसका ऊपर का ढक्कन है, ढक्कन से आप इसको बंद कर लीजिए। दोस्तों आप अगर इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि 1000-1500 या फिर 2000 किलोमीटर चलने के बाद फिर आप चेंज करें, ज़्यादा मत चलिए, क्योंकि इंजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और इंजन का लॉन्ग टर्म में चलना या फिर ज़्यादा चलना डिपेंड करता है इंजन ऑयल के ऊपर। तो ज़रूर इंजन ऑयल अच्छा लगाइए, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल लगाइए और जल्दी से जल्दी चेंज करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।